आज इस कहानी में हम देखेंगे कि हम सबकी चार पत्नियां कौन हैं। एक बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे जिनकी चार पत्नियां थी। एक बार वो बहुत बीमार पड़ गए और मरणासन स्थिति में आ गए। वे मरने के बाद अकेले नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया जिसे वे सबसे ज्यादा चाहते थे। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? उनकी पत्नी ने साफ मना कर दिया और चली गई। राजा को अपनी तीसरी पत्नी भी बहुत प्यारी थी और उस पर उन्हें गर्व था। उन्होंने उसे बुलाया और साथ में मरने का पूछा। तीसरी पत्नी बोली, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। राजा की दूसरी पत्नी हर मुश्किल समय में उनका साथ देती आ रही थी। राजा ने उससे भी साथ चलने का पूछा। दूसरी पत्नी ने कहा, माफ कीजिए महाराज, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करवा दूंगी और मैं उस वक्त तक आपके साथ ही रहूंगी। तभी आवाज आती है, मैं आपके साथ चलूंगी और जहां भी जाएंगे वहां जाऊंगी, भले ही वो मौत के बाद का सफर हो। राजा ने देखा, ये उनकी पहली पत्नी की आवाज थी, पर उन्होंने उस पर सबसे कम ध्यान दिया था। राजा को बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ। उन्होंने पहली पत्नी से माफी मांगी। उन्होंने कहा, जब तक मैं जीवित था तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हारी कद्र करनी चाहिए थी। कहानी का भावार्थ ये है कि हम सबके पास चार पत्नियां हैं। चौथी पत्नी है हमारा शरीर। हम इसे खूब सजाते हैं, गहने पहनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, पर आखिर में ये हमारा साथ छोड़ देती है। हमारी दूसरी पत्नी है धन संपत्ति। हम जीवन का बहुत सारा समय घर को साजो सामान से भरने में लगा देते हैं, पर वो भी हमारे साथ नहीं चल सकती। दूसरी पत्नी है हमारा परिवार और दोस्त। वो हमारा हर दुख में साथ देते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो हमारे आखिरी समय तक हमें अलविदा कहने आ सकते हैं, पर साथ में नहीं चल सकते। और पहली पत्नी होती है हमारा चरित्र, जिस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर ये ही वो पत्नी है जो मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, हमेशा हमारे नाम के साथ ही जुड़ी रहती है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने शरीर का ध्यान रखें, इसे स्वस्थ रखें, साजो सामान के साथ आरामदायक जीवन जिएं, परिवार और दोस्तों को प्यार से संजो कर रखें, पर कभी भी अपने चरित्र को नजरअंदाज न करें और इसे मजबूत बनाएं। आज हमने सीखा कि जीवन में किस पत्नी का कितना महत्व है। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ फिर मिलेंगे।